नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर्स एंड ट्रेंड पैरामेडिकल स्टाफ, 24 आवर्स इमरजेंसी सर्विसेज, नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। हमारे साथ मुखिया पति जुड़े हैं क्या जी? मेरा नाम धर्म प्रकाश हुआ। धर्म प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े, हम बात करेंगे साथ नीचे योजना, हम बात करेंगे। हमारे साथ मुखिया पति है जी, आप बताइए जनरल योजना मुख्यमंत्री की सबसे सफल ड्रीम प्रोजेक्ट योजना है जी। जी क्या कहेंगे, कितने तक कार्य हुए आपके? अच्छा कार्य हुआ है जी, क्योंकि मेरे यहाँ 16 वार्ड है जी, और 16 वार्ड में जो है 10 वार्ड WAMC द्वारा कराया गया है जी, और सभी का कार्य जो है पूर्ण हो चुका है, सुचारू रूप से जल की पूर्ति हो रही है सभी वार्डों में। बाकी के जो वार्ड हैं हमारे यहाँ 6 वार्ड, वो PHD द्वारा जो है क्रियान्वित है, उसमें कुछ वार्ड में जलापूर्ति हो रहा है, कुछ में कार्य चल रहा है। कुछ ग्रामीणों का आरोप था जी कि हमारे यहाँ पानी नहीं जा रही, अभी सात नीचे योजना हमने देखा ही नहीं है आज तक, क्या करेंगे? वो वैसे वार्ड हैं जहाँ PHD कार्यरत है जी, उस जगहों पे अभी पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है, ये सत्य है ठीक है। PHD वार्ड है जिसके कारण वहाँ अभी चालू नहीं किया गया है जी, वहाँ जलापूर्ति कार्य नहीं हो रहा जी। आम सभा होते हैं? आम सभा होता है, ग्राम सभा होता है जी। यानी वीडियो जिस प्रकार हमारे पास आया है उसके अनुसार क्या कहेंगे, बेबुनियाद है जी? बिल्कुल, सात निश्चय मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के तहत नल जल सब गली नली पूर्णतः जो है पूर्ण रूप धरातल पे है, सभी का सफल पूर्वक क्रियान्वित वार्ड क्रियान्वयन द्वारा करा। सर कभी ऐसा ही हो सकता है कि चुनावी रजिस कहा जाता है, चुनाव का समय आ रहा है, एक महीना बाद पंचायत चुनाव है जी? बिल्कुल हो सकता है, विपक्ष हमला कर रहे हैं क्या? हाँ हो सकता है। यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट सात नीचे योजना धरातल पर बिल्कुल तौर से सही माना जा रहा है, यानी नीतीश कुमार अपने अधिकारी से लगातार बात कर रहे हैं कि किस तरह से धरातल पर आ लाया जाए। लेकिन मैं एक बार बात करूंगा, हमारे साथ फिर से मुखिया जी जुड़े हैं, नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट से खुश है? बिल्कुल खुश है। क्या लग रहा है, सार्थक है? बिल्कुल सार्थक है, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट सात निश्चय योजना बिल्कुल सार्थक है और जनता के लिए जन कल्याणकारी है।